नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूजफुल आइडिया शेयर करूंगी। तो देखिए, मेरे पास एक पुराना फटा हुआ फ्लोर मैट पड़ा है। पहले मैं इसे फेंकने वाली थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे नया लुक देकर फिर से यूज किया जाए। तो अगर आपके पास भी कोई फटी पुरानी दरी पड़ी है, चटाई पड़ी है, फ्लोर मैट या डोर मैट पड़ा है, तो आप उसे नया लुक देकर फिर से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अलग रख लेंगे। अब देखिए, इसके लिए मैंने एक पुरानी बेडशीट ली है। अब सबसे पहले हम बेडशीट की किनारी कट कर लेंगे यहां से। अब इसे लेंगे, यहां से इसकी भी किनारी कट कर लेंगे। इस तरफ से भी। अब देखिए, इसके ऊपर बिछा लेंगे इस तरह। देखिए, मैट को हमने बेडशीट के ऊपर बिछा दिया है। अब देखिए, चारों तरफ से 3-3 इंच का गैप देकर बेडशीट को कट कर लेंगे। देखिए, चारों तरफ से 3-3 इंच का गैप देके हमने बेडशीट कट कर ली है। अब एक पीस हम बेडशीट में से इसी फ्लोर मैट के साइज का कट करेंगे। अब देखिए, फ्लोर मैट के साइज का मैंने बेडशीट में से पीस कट कर लिया है। ये देखिए, अब इसे इसके ऊपर बिछा देंगे बराबर। अब देखिए, नीचे वाली बेडशीट को जहां तक ये फ्लोर मैट है यहां तक फोल्ड करेंगे इस तरह बराबर। अब इसकी किनारी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से छोटे छोटे टांके लगा लेंगे इसमें, जिससे सिलाई मजबूत रहे। ये देखिए, इस तरह से पूरी किनारी को फोल्ड कर लेंगे। इस साइड से भी ये दोनों साइड छोड़ देंगे। ये देखिए, एक तरफ हमने इसे फोल्ड कर दिया है। इसी तरीके से इधर से भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, पहले फ्लोर मैट के बराबर फोल्ड करेंगे कपड़े को, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब सुई धागे से इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए, दोनों तरफ से हमने किनारी फोल्ड कर लिए। अब इस तरफ आएंगे, इसे इस तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए, सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से बॉर्डर किनारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। देखिए, यहां तक हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरह, फिर से फोल्ड करेंगे। अब फिर से इसे यहां से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से इस तरह से भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इसके चारों तरफ किनारी हमने फोल्ड कर ली है। हमारा फटा हुआ फ्लोर मैट फिर से नए लुक के साथ रेडी टू यूज है। ये देखिए, मैं इसे पलट के दिखाती हूँ, आप इसे दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और गंदा होने पर आप इसे मशीन वॉश कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप घर में पड़ी हुई फटी पुरानी चटाई, दरी, फ्लोर मैट, डोर मैट, इन्हें नया लुक देकर फिर से यूज कर सकते हैं।